हे गाइस, वेलकम टू एन एकेडमी प्लस। थोड़ा वेट करते पहले बच्चों का, बिकॉज मैं पहले आ गया हूं, 1 मिनट पहले। अभी तक कोई भी नहीं आया, टिल नाउ। शायद पता नहीं था क्लास के बारे में एग्जैक्टली कि क्लास होने वाली है 8 बजे रात को, 10 फरवरी को। पीडीएफ अपलोड करता हूँ। मैं 2 मिनट पहले आ चुका हूँ, बिकॉज अभी हो रहे हैं 7:58 और क्लास थी 8 बजे। शायद बच्चे 8 बजे ऑनलाइन आएंगे, लेट्स सी, बिकॉज मेरी क्लास में यूजुअली 50-60 बच्चे रहते हैं ऑनलाइन। हाय अंजलि गोलेश, हाय तुलसी, रचम सेट्टी, कैसे हो? हाय मेहक अरोड़ा। तो गाइज, आज हम बात करने वाले 5 इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल्स के बारे में टू क्रैक आरबीआई एंड एसबीआई क्लर्क एग्जामिनेशन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है, स्ट्रैटेजी वीडियो है। हाय सुमन 1991। मयूर कुंदलेकर, कैसे हो? तो गाइस, हम थोड़ा वेट कर लेते हैं बाकी सारे बच्चों का, उसके बाद क्लास शुरू करेंगे, बिकॉज इट्स जस्ट 8:01 हो रहा है अभी, 8:01। हाय सिमरन खुराना। राजा शेखर ने ज्वाइन किया है। तो गाइस, आपकी तैयारी चल रही है आरबीआई के लिए और एसबीआई के लिए? कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके टेस्ट सीरीज में? कितने मार्क्स आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, टेल मी। और मार्क्स किसमें कम आ रहे हैं आपके? हाय तानिया अरोरा, हाय कृतिका मेघा। गाइस टेल मी, कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं मॉक टेस्ट में? कितने इंग्लिश में आ रहे हैं, कितने मैथ्स में आ रहे हैं, कितने रीजनिंग में आ रहे हैं आरबीआई और एसबीआई क्लर्क में? गुड इवनिंग कृतिका। हाय संगीता गोयल। कोई तो बता गाइस, कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं? टेल मी, कितने मैथ्स में आ रहे हैं, कितने रीजनिंग में, कितने इंग्लिश में? हाय जयश्री, हाय रंजना सिंह। तो गाइस चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंपॉर्टेंट रूल्स। मैक्सिमम कम आ रहे हैं मतलब एग्जैक्टली कितने आ रहे हैं आपके? मयूर कुंड लेकर, गाइस सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज जानना मत,
छोड़ना मत सेशन को, बिकॉज बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं ना स्टार्टिंग में कि भाई टेस्ट सीरीज में नंबर नहीं आ रहे, स्पीड नहीं आ रहा, पजल में मेरा पजल बन नहीं पा रहा, डीआई में स्पीड मेरा बहुत ही कम है, तो कैसे एग्जाम क्लियर होगा। तो आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं, एग्जैक्टली आपके प्रॉब्लम्स के बारे में। हाय रंजना, मैक्सिमम कम आ रहे हैं, मतलब एग्जैक्टली क्या बोलना चाहते हो? मयूर कुंदलेकर, तो कहीं चलो सी, हम जानते हैं कि एग्जाम में हमारे पास 100 क्वेश्चन है, लेट मी टेल यू, पहले सब जानते हैं जहां पे भी आप जो मेजर चंक है स्टार्ट, ओके हाँ देखो, जहां पे वी हैव 30 क्वेश्चन फ्रॉम इंग्लिश, 35 क्वेश्चन फ्रॉम मैथ्स एंड 35 क्वेश्चन फ्रॉम रीजनिंग, ओके। जहां पे गाइस इंग्लिश में हमारे पास है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैरा जंबल, स्पॉट द एरर, एरर करेक्शन एंड क्लोज टेस्ट। यहाँ पे हमारे पास है गाइस मेजर में दैट इज पैरा जंबल, सॉरी रीजनिंग में हम जानते हैं वी हैव 15-20 क्वेश्चन फ्रॉम पजल्स एंड रिमेनिंग हमारे पास क्या है मिसलेनियस टॉपिक, जहाँ पे हमारे पास है सिलॉग, कोडिंग डिकोडिंग, इनइक्वालिटीज, सिलॉजिज्म, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन एंड सो ऑन। और गाइस मैथ्स में हमारे पास क्या है, सिंप्लीफिकेशन, एरिथमेटिक, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज वेल एज डीआई, ओके। तो गाइस चलो बात करते हैं एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। हम बात करने वाले 5 इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल्स के बारे में। तो गाइस मेरा नाम मनमीत कुमार है, मैंने खुद बैंक एग्जाम क्लियर किया और मेरा अच्छा स्कोर था कैट में। मैं पिछले 5 ईयर से बैंक एग्जाम के एस्पिरेंट्स को मैथ्स और रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ और मैंने बीटेक किया, ओके। हाय स्वीटी पांडे, हाय निधि कुमारी, ओके। सो गाइस सी एंड मेरी कोर्सेज चले अनअकैडमी पे, जहाँ पे मैं कर रहा हूँ रीजनिंग कोर्सेज एज वेल एज डीआई एक्सपेक्टेड सेट्स एज वेल एज पजल पे कर रहे, जहाँ पे बिल्कुल एग्जाम पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। जिनको चाहिए अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन पैकेज, आपको अप्लाई करना स्टडी वायरस रेफरल कोड, ये हमारा कोड का नाम है स्टडी वायरस। अप्लाई करने के बाद यू विल गेट 10% का छूट, ओके। सो प्लीज यू कैन अप्लाई, यहाँ पे डाउट क्लासेस है, लाइव क्लासेस है, पीडीएफ है, क्वेश्चन आयर्स है, टेस्ट सीरीज है, क्विजेज है, तो पक्का आपके लिए बहुत सही रहेगा। और गाइस नए क्लास शुरू होने वाले हैं 12 फरवरी से, परसों से क्वांट पे, और मेरी क्लास शुरू हो रही है एग्जैक्टली 17 से ऑन रीजनिंग, ओके। तो बिल्कुल करेंगे क्वांट की क्लासेस एसपीआई क्लर्क और एसपीआई पीओ के लिए, ओके। तो गाइस मुझे फर्स्ट इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल है कि प्लीज पजल रोज प्रैक्टिस किया करो। हम जानते हैं कि एग्जाम में वी हैव 35 क्वेश्चन फ्रॉम रीजनिंग, जहां पे 15-20 क्वेश्चन पजल के आते हैं, एंड जहां पे वी हैव 10-15 क्वेश्चन फ्रॉम, 15-20 क्वेश्चन फ्रॉम मिसलेनियस। यहाँ पे वी हैव सिलॉजिज्म, कोडिंग डिकोडिंग, इनइक्वालिटीज, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज एंड रैंकिंग एंड ऑर्डर जो हमारे पास होता है। तो सारे बच्चे ये वाला पार्ट आराम से कर लेते हैं, ठीक है, ये वाला पार्ट आराम से कर लेते हैं, लेकिन मेन जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे है। यहाँ पे जो फंस गया, टाइम बर्बाद, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं हो पाता है, और रीजनिंग में आ रहे 35 में 25, लेकिन जो हमारा एग्जाम है लेवल है आरबीआई और एसपीए क्लर्क का, वो बहुत सिंपल है रीजनिंग में। तो गाइज प्लीज पजल रोज प्रैक्टिस किया करो, ठीक है। पहली बात ये है, कैसे करना है पजल प्रैक्टिस, सिंपल सी बात है, एग्जाम पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन को उठाओ पजल के लिए। हम जानते हैं कि एग्जाम में क्या आता है यूजुअली, फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेल यू, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां पे वी हैव नो पैरामीटर्स। फॉर एग्जाम्पल 7 पर्सन बैठे हुए लीनियर रो में, ऐसे 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 ऐसे, तो एग्जाम में ऐसे आएगा कि चलो भाई 7 पर्सन को अरेंज करना है, सारे पर्सन फेस करें नॉर्थ की ओर, या सारे पर्सन फेस करें साउथ की ओर, या कुछ पर्सन नॉर्थ कुछ पर्सन साउथ, ऐसे करते पॉसिबल नहीं एग्जामिनेशन में कि आपके पास ये आएगा कि वी हैव 7 पर्सन एंड द लाइक 7 डिफरेंट कलर्स, ओके। विदाउट पैरामीटर पजल आने वाला है, तो प्लीज पजल बहुत सिंपल आएगा, पजल बहुत शॉर्ट आएगा और ट्रिकी आएगा, तो गाइज आप बिल्कुल प्रैक्टिस किया करो, ठीक है, इसके बिना एग्जाम क्लियर करना मुश्किल है। तो पजल के लिए गाइज कम से कम दिन में 4-5 पजल को सॉल्व करो। अगर आप टारगेट करो एसपीए क्लर्क को, तब रोज के रोज एवरी डे 5-6 पजल किया करो, ठीक है, आपके आराम से विद इन 20 डेज में कम से कम 100 पजल बन जाएंगे, विच इज मोर देन एनफ। सो प्लीज बी कंसिस्टेंट, है ना, यस और नो बताओ, कोई दिक्कत इस पॉइंट के अंदर? स्टॉप क्लॉक लो,
एग्जाम पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन उठाओ और सॉल्व करना शुरू करो, ठीक है? इसके बिना गाइस एग्जाम क्लियर करना मुश्किल है, पजल आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है प्री में और मेंस में भी, ठीक है? तो प्लीज गाइस पजल प्रैक्टिस करो। एंड वी हैव टाइप्स ऑफ पजल्स, हमारे पास ये है, रुक जाओ। पहला हमारे पास गाइज है लीनियर पजल, जहां पे ऐसे होता है कि लीनियर रो है, देन वी हैव सारे पर्सन नॉर्थ की ओर, सारे पर्सन साउथ की ओर, कुछ पर्सन नॉर्थ, कुछ पर्सन साउथ, एंड वी हैव पैरेलल रोज, जहां पे ऐसे होंगे, और गाइज अननोन नंबर ऑफ पीपल। ये हमारे पास पांच वैरायटी है लीनियर में। अगेन गाइज पजल बहुत सिंपल आएगा। सिमिलरली गाइज वी हैव सर्कुलर पजल, जहां पे वी हैव सर्कुलर टेबल, इनसाइड आउटसाइड, इनसाइड एंड आउटसाइड, उसको अरेंज करना है। फिर वहां सर अभी मेरे आरबी का पेपर है, कैसे करना है स्टडी? ओके, आपके कितने मार्क्स आ रहे टेस्ट में बताओ, ठीक है? देन गाइज वी हैव स्क्वायर पजल, ट्रायंगुलर पजल, सब में सेम कॉन्सेप्ट है। अगर ऐसे फेस करेगा इधर राइट इधर लेफ्ट, ऐसे फेस करेगा इधर राइट इधर लेफ्ट, और गाइस कुछ भी इसमें नया नहीं है। ओके, देन गाइस वी हैव कैलेंडर बेस्ड पजल, बहुत पॉपुलर पजल है, जहां पे वी हैव मंथ एंड डे बेस्ड पजल। फॉर एग्जांपल वी हैव 7 पर्सन, 7 पर्सन को अरेंज करना है मंथ वाइज डे वाइज, वो पजल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पक्का एग्जाम में आता है। देन गाइस वी हैव फ्लोर पजल एंड बॉक्स पजल, फ्लोर एंड बॉक्स पजल। अगेन गाइस हमारे पास 7 फ्लोर्स है, 7 पर्सन उसको अरेंज करना है, 7 बॉक्सेस उसको अरेंज करना है। तो अगेन गाइस इसके बारे एग्जाम में कुछ नहीं आता है। देन गाइस वी हैव कैटेगरी बेस्ड पजल, फॉर एग्जांपल लेट मी टेल यू, वी हैव कैटेगरी बेस्ड पजल, मैंने सारे पजल करा अपने कोर्सेज के अंदर। वी हैव कैटेगरी बेस्ड पजल, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 7 बच्चे हैं, ये पढ़ रहे हैं 3 डिफरेंट स्कूल में, SPS, DPS, RPS, इनको अरेंज करना है स्कूल के अंदर, तो इसे बोलते कैटेगरी, बोलते कैटेगरी बेस्ड पजल। देन गाइस वी हैव सिंपल पजल, फॉर एग्जांपल जनरल पजल, जैसे कि 7 पर्सन है, दे लाइक 7 डिफरेंट कलर्स एंड दे लाइक 7 डिफरेंट ब्रांड्स। ओके, तो गाइस ये हमारे पजल का वैरायटीज है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज गाइस इसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाले एग्जामिनेशन में, तो प्लीज प्रैक्टिस कर लो। ओके, अब गाइस नेक्स्ट रूल हमारे पास ये है, गाइस क्लियर पॉइंट बताओ, यस और नो? आज हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, आज हम बस स्ट्रैटेजी बता रहे हैं कि पजल करना बहुत जरूरी है। ये हमारे पास वैरायटीज है पजल के लिए। ओके, नेक्स्ट गाइस वी हैव दिस वन, मैथ्स में कैलकुलेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है, हम जानते गाइस कि मैथ्स में वी हैव, जस्ट वेट लेट मी टेल यू एग्जैक्टली, इन मैथ्स वी हैव 35 क्वेश्चंस, जहां पे हमारे 5 क्वेश्चन है नंबर सीरीज से, वेयर वी हैव 2 वैरायटीज, रॉन्ग नंबर और मिसिंग नंबर, है ना? देन वी हैव गाइस 5 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन फ्रॉम DI। क्वेश्चन गाइस बहुत सिंपल आने वाले हैं, फाइंड द एवरेज, फाइंड द रेशियो, फाइंड द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज, फाइंड द ग्रोथ रेट, फाइंड द परसेंटेज चेंज, परसेंटेज राइज, फाइंड द डिफरेंस, इसके अलावा गाइस कुछ भी आने वाला नहीं है। देन गाइस वी हैव 5 क्वेश्चन फ्रॉम इनइक्वालिटीज, जहां पे वी हैव एक्स इज मोर देन वाई, एक्स इज लेस देन वाई, इनइक्वालिटीज बोलते हैं, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देन गाइस इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, इससे एग्जाम में आते 10 क्वेश्चन, एंड देन गाइस वी हैव अरिथमेटिक, इससे एग्जाम में आते 10 या 12 क्वेश्चन। तो गाइस मेरे अकॉर्डिंग क्या है ना, देखो सिंपल सी बात है कि मैथ्स में जो 70% सिलेबस है उसमें क्या है, बस प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। लेकिन यहाँ पे जो क्या इसमें अरिथमेटिक में वी हैव सो मेनी टॉपिक्स, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है प्रॉफिट लॉस, प्रोबेबिलिटी, PNC, TST, टाइम एंड वर्क एंड सो ऑन। तो गाइज यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे मेथड है, बहुत सारे ट्रिक्स है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले ये सारी चीज कर लो, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, आपके यहाँ पक्के 25 मार्क्स बन रहे हैं। इसके बाद जब हो गया ना आपका, देन स्टार्ट अरिथमेटिक। और कहाँ से स्टार्ट करोगे, फ्रॉम द बेसिक, जो बहुत सिंपल है, रेशियो सबने पढ़ा है, प्रॉफिट लॉस सबने पढ़ा है, परसेंटेज सबने पढ़ा है, SI और CI सबने पढ़ा है गाइज, एजेस बहुत सिंपल है। तो गाइज पहले स्टार्ट करो यहां से, ओके? ये आपके श्योर शॉट मार्क्स है बहुत कम टाइम के अंदर। लोग क्या करते हैं, पहले यहां से शुरू किया और इसमें लग गए, बहुत टाइम बर्बाद करे, बहुत टाइम बर्बाद करे, बहुत सारे बच्चे SPI PO क्लियर करते हैं इसके बिना, ठीक है? तो प्लीज गाइज पहले नंबर सीरीज, DI, क्वाड्रेटिक, सिंप्लीफिकेशन, देन करो अरिथमेटिक। ओके, अब कहीं सेकेंड थिंग इज दैट
कैसे हम स्पीड बढ़ाए मैथ्स में, सिंपल सी बात है गाइस। देखो पहले क्या करना है, एग्जैक्टली टेबल याद कर लो, फ्रॉम 1 to 20, देन याद करो गाइस रेसिप्रोकल फ्रैक्शन टेबल फ्रॉम 1 to 1/30। फॉर गाइस फॉर एग्जाम्पल वॉट इज 1/2, टेल मी वॉट इज 1/2। मैं आपसे ये बार बार पूछता हूं, वॉट इज 1/2, कितना परसेंट है? वॉट इज 1/2 बताओ, वॉट इज 1/2, 50%। वॉट इज 1/3, दैट इज इक्वल टू। हाय अनुराग कश्यप, हाय अनिमत, कैसे हो? गाइस सिंपल सी बात है, मैंने बहुत बार बताया आपको, दिस इज 33.33%। वॉट इज 1/4, 25%। वॉट इज 1/5, 20%। वॉट इज 1/6, 16.66%। वॉट इज 1/7, 14.28%। प्लीज गाइस को याद कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैथ में स्पीड बढ़ाने के लिए। देन गाइस वी हैव स्क्वायर याद कर लो फ्रॉम 1 to 30, क्यूब याद कर लो फ्रॉम 1 to 15। कैसे हम अप्रोक्सीमेट परसेंटेज फाइंड करते हैं उसको याद कर लो, एज वेल एज कैसे हम सम निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाय शिवशंकर, हाय अनुराग, हाय अनिमा। तो गाइज प्लीज ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन के लिए, टेबल रेसिप्रोकल स्क्वेयर क्यूब एंड अप्रोक्सीमेट परसेंटेज। ओके तो प्लीज गाइज आप आज से इसको लग जाओ, प्रैक्टिस करो, आपके लिए बहुत सही रहेगा। ओके एनी क्वेरी गाइज, कुछ दिक्कत, कुछ पूछना आपको मैथ्स को लेके कि स्पीड क्यों नहीं बन पा रही है आपकी, बताओ मुझे, टेल मी। रिस्पॉन्स आज कम बच्चों का आ रहा है बिकॉज ये स्ट्रैटेजी क्लास है, अगर क्वेश्चन कराता तो बहुत सारे बच्चे आते हैं ऑनलाइन। ओके तो टेबल रेसिप्रोकल स्क्वेयर क्यूब अप्रोक्सीमेशन बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए गाइज, तो प्लीज याद कर लो वॉट इज 1/16, वॉट इज 1/15, वॉट इज 1/14, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको डीआई में काम आएगा, एरिथमेटिक में काम आएगा, अप्रोक्सीमेशन में काम आएगा, हर जगह काम आने वाला है, ठीक है। नाउ थर्ड थिंग गाइस हमारे पास ये है कि इंग्लिश में एक्यूरेसी सुधारना है। अब प्रॉब्लम क्या है कि जो बाकी सेक्शन हमारे पास है, फॉर एग्जाम्पल सब जानते हैं कि वी हैव एनी इशू शिवशंकर, मेन गाइस प्रॉब्लम क्या है इंग्लिश। ओके रीजन क्या है, देखो बाकी में क्या है, वी हैव 20 मिनट्स एंड मोर क्वेश्चन, सब में क्वेश्चन ज्यादा है, लेकिन इंग्लिश में क्या है क्वेश्चन कम है और टाइम सेम है सब में, है ना। और इंग्लिश में क्या है गाइस, एक बार लाइन पढ़ लो आंसर निकाल दो, लेकिन बाकी में क्या है पजल को सॉल्व करो, कैलकुलेशन करो, स्पीड चेक करो, तो गाइस यहाँ पे दिक्कत है। तो जिनकी भी इंग्लिश अच्छी है उनके लिए बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है, और जिनकी बेकार है उनके लिए बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। यस और नो गाइस बताओ, टेल मी यस और नो। जिनका इंग्लिश अच्छा है उनके लिए 20 मिनट काफी है 30 क्वेश्चन करने के लिए, उनके आराम से बने 25 मार्क्स 26 मार्क्स बन रहे हैं, लेकिन जिनका भी वीक है उनके लिए क्या है 20 मिनट में दे रहे हैं आ रहे 7 मार्क्स 8 मार्क्स 5 मार्क्स 6 मार्क्स, उनका एग्जाम क्लियर नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे ये नाइंसाफी है, यहाँ पे नाइंसाफी है, बिकॉज यहाँ पे 35 क्वेश्चन है, बहुत कुछ सॉल्व करना है, यहाँ पे 35 क्वेश्चन है रीजनिंग में, पजल को सॉल्व करना है, ये करना है वो करना है, लेकिन इंग्लिश में क्या है टाइम सेम है, क्वेश्चंस कम है और बहुत जल्दी बन जाता है। तो यहाँ पे ना तो मेथड है, ना कैलकुलेशन है, ना कुछ भी नहीं इसके अंदर, है ना। तो जिनका भी अच्छा इंग्लिश है उनके लिए बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। अब गाइस फर्स्ट थिंग इज दैट कि कैसे अच्छा एक्यूरेसी करें इंग्लिश के अंदर, ठीक है। सिंपल सी बात है गाइस सब जानते हैं, इन इंग्लिश वी हैव दी सेक्शन, जस्ट वेट लेट मी एक्सप्लेन यू गाइस, आज क्लास स्ट्रैटेजी पे बेस्ड है, ठीक है। इन इंग्लिश गाइज वी हैव रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जहां से एग्जाम में आते हैं 10 क्वेश्चन, जहां पे वी हैव 3 or 4 क्वेश्चंस फ्रॉम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, सिमिलर मीनिंग और अपोजिट मीनिंग। ओके देन गाइज वी हैव स्पॉट द एरर, एरर करेक्शन, देन गाइज वी हैव क्लोज टेस्ट, देन गाइज वी हैव पैरा जंबल, देन गाइज वी हैव फ्रेज रिप्लेसमेंट एंड एक और है दैट इज मैच द फॉलोइंग, है ना। अब गाइस प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे
ये जो पार्ट है एरर करेक्शन स्पॉट द एरर, अगर एग्जाम में से 10 क्वेश्चन आता है तो बच्चे क्या करते हैं कि भाई 10 क्वेश्चन आ गया, मैं 10 करके आऊंगा, कितने मार्क्स आ रहे हैं, 2 नंबर 3 नंबर, सब कुछ गया नेगेटिव में, है ना, है कि नहीं बताओ। सबसे ज्यादा नंबर कहाँ कटता है, स्पॉट द एरर में, एरर करेक्शन में। सारे बच्चे करके आ रहे हैं कि सर मैंने 30 में 25 कर लिया, लेकिन मेरे मार्क्स आ रहे हैं इंग्लिश में 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर। तो गाइस सिंपल सी बात है, क्वेश्चन अटेम्प्ट कम करो, अगर आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हो किसी किसी का भी, क्वेश्चन अटेम्प्ट कम करो, लेकिन जितना भी करना है, बट वाई, मतलब स्पॉट द एरर में क्या होता है ना कि लगता है चलो भाई मैं सही हूं, इसका आंसर क्या है, ओनली ए या बी या सी या डी, तो लोग टिक करके आ जाते हैं, चलो भाई इसका ए है, बी है, सी है, डी है। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है ना, बहुत कुछ पढ़ना होता है तो लोग करते नहीं उसको अटेम्प्ट, वन लाइनर जो क्वेश्चन होते हैं ना लोग बहुत जल्दी कर लेते हैं, ठीक है। तो गाइस सिंपल सी बात है, जिस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है इंग्लिश में, तो प्लीज उसको छुओ मत। अभी क्या करना आपको एग्जैक्टली, अगर आपके 25 क्वेश्चन कर रहे हो, 5 6 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन रहे हैं, तो प्लीज आप, सॉरी, अगर आप 25 क्वेश्चन एग्जाम में करके आ रहे हो, आपके 5 सही और 20 गलत, तो प्लीज ऐसा मत करो, आपके निगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा है। क्वेश्चन आए, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, एटलीस्ट सपोज मैं स्टूडेंट हूं, मैंने एग्जाम दिया, किसी का टेस्ट सीरीज लगाया, मेरे अगर 30 क्वेश्चन में से मैंने अगर 25 क्वेश्चन किए, मेरे 8 क्वेश्चन सही और 17 क्वेश्चन गलत, इट मींस मेरे मार्क्स ऑलमोस्ट नेगेटिव में है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पे क्या करूंगा एग्जैक्टली, मैं अगले एग्जामिनेशन में कम क्वेश्चन करूंगा, फॉर एग्जाम्पल 14 क्वेश्चन, लेकिन मुझे श्योरिटी है कि मेरे 14 क्वेश्चन में से कम 10 क्वेश्चन पक्का सही होंगे, ओके। तो जिस पे आपको 100% श्योरिटी है एग्जाम में, वही क्वेश्चन किया करो, है ना। अगले बार एग्जाम दोगे, अब चेक करो कि जहां मैंने जो मेरे 4 क्वेश्चन पे गलत हुआ है, वो मेरा क्यों गलत हुआ है, प्लीज चेक इट, ओके। चेक कर लिया, अगला एग्जाम दो, अटेम्प्ट्स को बढ़ाओ, 15 16 18 20 ऐसे बढ़ाओ, ठीक है, लेकिन पक्का चेक करो कि मैं कहाँ मिस्टेक कर रही हूँ, मैंने कहाँ पे गलत रूल लगाया, बिकॉज सारे प्रैक्टिस बहुत लोग करते हैं लेकिन कोई चेक नहीं करता कि भाई मैं कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ, कहाँ गलती कर रहा हूँ, है कि नहीं बताओ मुझे। सबने मॉक टेस्ट दे दिया लेकिन चेक कोई नहीं करता कि मेरा नंबर कम क्यों आ रहा है ना, मेरा नंबर सीरीज में नंबर कम क्यों आया, मेरा नंबर कम क्यों आया मेरे अप्रोक्सीमेशन में। अगर गाइज अगर आप चेक कर रहे हो, चलो आपने सपोज आपने इंग्लिश में आप 15 क्वेश्चन किया, आपके 11 सही, आप बहुत खुश, चलो भाई मेरे 11 सही हो गए, लेकिन जो 4 क्वेश्चन आपने गलत किया है ना, आपको चेक करो चीज को कि आपने क्यों गलत किया। अगर सेम क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जामिनेशन में आएगा, आपका गलत नहीं होगा ना, सिंपल सी बात है। फिर आप बोलोगे सर मेरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वीक है, सिंपल सी बात है, जो आपका वीक है उसको ज्यादा प्रैक्टिस करो। अगर आप 2 3 सेट रोज लगा रहे हो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, 2 सेट रोज लगा रहे हो कंसिस्टेंट, ऐसा नहीं कि मैंने आज लगाए दिए 5, 4 दिन गैप मार लिया, 6 दिन गैप मार लिया, फिर मैंने कुछ किया ही नहीं। भाई आराम से रहो, कंसिस्टेंट रहो कि मुझे किसी भी हाल में 4 पजल आज करने हैं, आज 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना है, 2 DI सेट करना है, ऐसे करना है, ठीक है। रोज किया करो, जो आपका वीक है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को रोज प्रैक्टिस किया करो, आपके लिए बहुत सही रहेगा। ऐसा नहीं कि आज कर लिया 4 5, 7 दिन गैप मार लिया, 8 दिन गैप मार लिया, उसके बाद फिर से शुरू हो गए, फिर बोल रहे हो कि सर बर्डन बहुत है इंग्लिश का, मेरा हो नहीं पा रहा, एग्जाम क्लियर नहीं होगा। इंग्लिश में कितना टाइम देना है, 1 आवर इज लेस। सी अगर आपका इंग्लिश बहुत ही वीक है, कम से कम 2 3 घंटे दो। देखो मेरे मेरे जो देखो मेरे अकॉर्डिंग क्या है एग्जैक्टली, कि आपको फोकस नहीं करना है टाइम पे, ठीक है, टाइम वर्सेस टारगेट। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्या होते हैं ना, देखो कि भाई सुबह किताब उठा लिया और रात लगा दिया, बस पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे नहीं पता है, क्या पढ़ रहे कुछ पता ही नहीं मुझे, बस किताब खोल लिया है और पढ़ना है, कुछ भी करना है। गाइज एक टारगेट बनाओ कि मुझे कल किसी भी हाल में 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना है, मुझे कम से कम 5 पजल करने हैं, मुझे कम से कम 4 DI करना है, मुझे कम से कम 10 नंबर सीरीज क्वेश्चन करने हैं, ऐसे का इस टारगेट बनाओ एंड प्लीज कंप्लीट इट, ओके।
समय देख के पढ़ाई मत किया करो, समय इज नॉट इंपॉर्टेंट, आप टारगेट खत्म करो कि मेरा कल ये टारगेट है, मुझे अचीव करना है। सर बुक से स्टडी करनी है या नहीं, बुक से क्या पढ़ना है आपको, टेल मी। बहुत कम बच्चे क्लास में, बिकॉज स्ट्रैटेजी क्लास है ना, इसलिए। ये बाल कैसे हो रहे हैं मेरे आज। सिलेबस बुक्स से रेडी करें। देखो हमारे पास कितने भी चीजें हैं ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैरा जंबल, फ्रेज कॉम्प्लीशन, नंबर सीरीज, ये सब कुछ आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, यू विल गेट ऑनलाइन एक्सेप्ट एरिथमेटिक। इसके लिए प्रैक्टिस करना है तो मैं बोलूंगा कि गो फॉर किरण SSC मेरे अकॉर्डिंग, बिकॉज वहां पे टाइप वाइज है सब कुछ, वहां पे है ना। बाकी DI RC पैरा जंबल फ्रेज कॉम्प्लीशन सब कुछ वहां पे है। सर मैंने बहुत मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया है लेकिन अब भी डिफिकल्ट लग रहा है। आपके मॉक्स में कितने मार्क्स आ रहे हैं, टेल मी। सब कुछ गाइस हमारे पास जो सिलेबस है, देखो जो हमारे पास सिलेबस है ना, देखो हमारे पास सिलेबस में 100% में से 80% क्या है, ओनली बेस्ड ऑन प्रैक्टिस, एंड 20% क्या है, दैट इज कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट कहां पे, एरिथमेटिक में। बाकी में क्या है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस, पैरा जंबल प्रैक्टिस, फ्रेज कॉम्प्लीशन प्रैक्टिस, पजल्स प्रैक्टिस, डायरेक्शन सेंस प्रैक्टिस। लेकिन यहाँ पे क्या है, बहुत सारे मेथड्स है, बहुत सारे ट्रिक्स है, बहुत सारे वैरायटीज है। हाई नुपुर हाय थंग मेसो, सर कट ऑफ से हमेशा 5-8 मार्क्स कम आ रहे हैं। सिंपल सी बात है, प्लीज चेक करो कि भैया मैं टेस्ट सीरीज में मेरे नंबर कम क्यों आ रहे हैं, मैं कहाँ पे टाइम बर्बाद कर रहा हूँ, मुझे कौन से क्वेश्चन करने नहीं चाहिए था और मुझे कौन सा करना चाहिए था। प्लीज एनालाइज योर टेस्ट सीरीज, ओके, एनालाइज योर मॉक्स, ओके। अगर आप जानते हो कि 5 क्वेश्चन नंबर सीरीज में किसी भी हाल में मेरे 5 मार्क्स बनने चाहिए तो प्लीज डू दैट, ओके। सर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट होगा किसका, RBI का एग्जाम का, RBI। हाय अभिषेक, ओके ग्रेट, ऑल द बेस्ट आरती चौहान। अगेन गाइस प्लीज फोकस ऑन टाइम, नॉट सॉरी प्लीज फोकस ऑन टारगेट, नॉट ऑन टाइम, ओके। टारगेट पे फोकस करो, टारगेट बनाओ और कंप्लीट करो उसे। सर प्लीज सिलॉक्स का एक बेस्ट सोर्स बताइए, यू कैन गो फॉर ऑनलाइन कोर्सेज फ्रॉम आवर एकेडमी, बहुत सारे हैं। जो सिलॉक्स से ओनली फ्यू ये वो सारे क्वेश्चन है ना, आजकल नहीं मिलते इंटरनेट पे, बुक्स में नहीं होते यूजुअली, बट प्रिपरेशन नहीं है, कोई नहीं, आप अच्छे से एग्जाम देना। आने वाले साल में बहुत सारे एग्जाम है, इस साल बहुत सारे एग्जाम है, SPI क्लर्क है, SPI PO है, RRB PO है, RRB क्लर्क है। हाँ तो अच्छी बात है ना, SPI PO। तो मेरा बैच शुरू हो रहा है SPI PO पे मैथ सेक्शन का। अब गाइस पढ़ते हैं नेक्स्ट थर्ड। तो गाइस क्लियर, आपको अच्छा एक्यूरेसी करना है इंग्लिश में। देखो 100 आपको अटेम्प्ट कम करो आज से, लेकिन एक्यूरेसी सही करो। अगर 15 कर रहे हो तो 12 सही करो, 18 करे तो 15 सही करो, ऐसे करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि 25 कर लिया और 5 सही 20 गलत, आपके नेगेटिव मार्क्स। आपने बोला घर वालों को कि भाई मेरा एग्जाम तो बहुत तगड़ा गया है, मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, लेकिन जब रिजल्ट आया तो एग्जाम घंटा क्लियर हो रहा है, एग्जाम क्लियर ही नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव मार्क आपके आ रहे हैं, है ना। नेक्स्ट थिंग गाइस वी हैव टू प्रैक्टिस एंड रिवाइज, ओके। अब प्रॉब्लम क्या है ना कि देखो सारे बच्चे ना प्रैक्टिस बहुत करते हैं, ठीक है, कि चलो भाई मैंने नंबर सीरीज कर लिया, कॉपी बनाया प्यार से, चलो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टार मार्क कर दिया, ऐसे बनाए ऐसे बनाए ऐसे बनाए, लेकिन रिवाइज गाइस कोई नहीं करता है, रिवाइज कोई नहीं करता, बस प्रैक्टिस, बिकॉज ये करना बहुत ही बोरिंग है। अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे तो आप बिल्कुल भूल जाओगे कि मैंने क्या क्वेश्चन किया, मैंने क्या पढ़ाई करी, मैंने क्या ट्रिक फॉलो किया, मैंने क्या मेथड फॉलो किया, है ना। अगर सपोज आपने एग्जाम दिया, ठीक है, आपने एग्जाम दिया क्वांट का, क्वांट में क्वेश्चन है एरिथमेटिक में जो आपने पर्टिकुलर ट्रिक से सॉल्व किया था आपने तैयारी के समय, सेम क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ जाए, आपको रिवाइज आपने नहीं किया, आपको याद आ रहा है नहीं भी आ रहा है, आपने टाइम बर्बाद कर दिया सोचने में, आपका टाइम बर्बाद, आपको ट्रिक पता है तो फटाक से
लगाया ट्रिक और आंसर निकल गया है ना। तो प्लीज गाइस रिवाइज जरूर क्या करो, जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, मेथड्स है, स्टार मार्क क्वेश्चन है, ट्रिक्स है, प्लीज गाइज आपके लिए बहुत सही रहेगा। सेकेंड थिंग गाइज मैं फिर से बोल रहा हूं कि हाय निधि साजवान। सेकेंड थिंग गाइज यहाँ पे क्या एग्जैक्टली कि बच्चे लोग क्या करते हैं एग्जैक्टली कि चलो मैं मॉक टेस्ट लगा रहा हूँ, सर ने बोला कि मुझे किसी भी हाल में 2-3 मॉक टेस्ट देना है एवरीडे। आपने मॉक टेस्ट दिया, ठीक है, दिया, आपके नंबर आए 100 में 65, इसको छोड़ा, बढ़ा सेकंड पे, फिर किया थर्ड, 100 में आ रहा है 55। अब कह रहे सर मेरे नंबर कम आ रहे हैं मॉक टेस्ट पे, मेरा एग्जाम कैसे क्लियर होगा। तो गाइज मॉक टेस्ट देना बेकार है अगर आप उसका एनालिसिस नहीं कर रहे हो। तो प्लीज एनालाइज करो कि मैं कितने पानी में हूं, मैंने कहां पे क्वेश्चन गलत किया, मैंने कहां पे टाइम बर्बाद किया, मैं कहां से क्वेश्चन करना चाहिए था मुझे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि चलो मैं सब कुछ करके आऊंगा और कुछ नहीं कर पाते हैं, बिकॉज बैंक में क्या है टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है ना। सपोज मैंने बोल दिया कि चलो भाई आपको किसी भी हाल में 3 टेस्ट देना है, आप बस टेस्ट दे रहे हो, टेस्ट 1 टेस्ट 2 टेस्ट 3, फिर कहां मिस्टेक किया ना कोई नहीं देख रहा। अगर आप अपने मिस्टेक को देखोगे नहीं तो फिर से रिपीट करोगे अगले मॉक टेस्ट में, फिर से रिपीट करोगे अगले मॉक टेस्ट के अंदर, है ना। तो प्लीज ऐसा मत किया करो, चेक करो कि मेरा कहां मिस्टेक है, नंबर सीरीज में गलत है उसको ठीक करो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ठीक करो, स्पॉट एरर है ठीक करो, ओके। तो गाइज एनालिसिस जरूर करो। अब गाइज बच्चे पूछते हैं कितने सर मॉक टेस्ट दें, तो बात करते हैं उसके बारे में कितने आपको मॉक टेस्ट देना है। सी देखो हमारे पास 3 कैटेगरी है, एक तो है एक्सलेंट बच्चे जो बहुत साल से तैयारी कर रहे हैं, उनका बेसिक्स अच्छा है, प्रैक्टिस बहुत कर रहे हैं, ठीक है, रीजनिंग के बारे में बताना, हाँ जरूर बताऊंगा, ठीक है, उनका अच्छा है बेसिक्स, बहुत साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं। सेकंड वी हैव एवरेज बच्चे जिनका ठीक ठाक है, ओके, एंड देन वी हैव वीक जो अभी पढ़ना स्टार्ट किया है। तो गाइस जो बच्चे को सब कुछ आता है पहले से कम दिन में 3 मॉक टेस्ट दो, 2 या 3 दो, अगर एग्जाम पास में 3 मॉक टेस्ट दो, एग्जाम दूर है तो 2 मॉक टेस्ट दिया करो। एंड प्लीज मॉक टेस्ट देने के बाद एनालाइज करो कि मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ, मैंने कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, उसको ठीक करना है मुझे। देन गाइस ये एवरेज बच्चे जिनका नॉर्मल है, चलो भाई आता भी है नहीं भी आता, तो वो कम से कम 1 या 2 मॉक टेस्ट दे। एंड प्लीज प्रैक्टिस करें अपने कॉन्सेप्ट्स पे कि मैं कहाँ पे वीक हूँ, नंबर सीरीज पे, अप्रोक्सीमेशन पे, इनइक्वलिटीज पे। तो प्लीज गाइस प्रैक्टिस ज्यादा करोगे। एंड देन वी हैव वीक बच्चे, ये कम से कम 0 या 1 मॉक टेस्ट दे ऑल्टरनेट डे पे, अपना बेसिक्स ठीक करें, अपना कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग बनाए, ओके गाइस। ऐसा नहीं कि जो बच्चे वीक है उठा लिया 3 मॉक टेस्ट, उनके नंबर आ रहे 100 में 30, 100 में 28, 100 में 25 आ रहे हैं, तो भाई वो बहुत बहुत बेकार नंबर है, पहले ठीक करो कि मेरे नंबर कम क्यों आ रहे हैं, ओके। हाय समृद्धि काने, तो गाइस क्लियर ये पॉइंट, कितने आपको मॉक टेस्ट दे रहे एग्जैक्टली, यस और नो, क्लियर ना गाइस, हाउ मेनी मॉक टेस्ट, ओके। एक्सलेंट हो 2 या 3 मॉक टेस्ट दो एवरीडे, एवरेज हो 1 या 2 मॉक टेस्ट दो, वीक बच्चे हो तो 1 दिन छोड़ के मॉक टेस्ट दो, ठीक है, तैयारी करो, अपने प्रैक्टिस करो, अपने बेसिक्स पे कॉन्सेप्ट अच्छा करो, आपके लिए बहुत जरूरी है। अब गाइस क्वेश्चन आया कि सर कैसे रीजनिंग को ठीक करें, तो बात करते हैं उसके बारे में। अबाउट रीजनिंग मैंने पहले बोला है कि रीजनिंग में 2 मेजर पार्ट है, फर्स्ट मेजर पार्ट है दैट इज पजल्स एंड सेटिंग अरेंजमेंट, and second part we have miscellaneous, okay. तो guys we have 20 minutes. तो लोग यहाँ पे क्या करते हैं ना, जिनका score आता है 35 marks आते हैं score reasoning में, वो लोग क्या करते हैं puzzle करते हैं 12 minute के, 12 minute में 4 puzzle करते हैं and ये करते हैं 8 minute के अंदर। and guys ये possible है because बहुत सारे लोग कर लेते हैं 35 question reasoning के अंदर, because ये जो part है ना इसे करना बहुत ही आसान है। यहाँ पे सिलॉक्स है, कोडिंग डिकोडिंग, इनइक्वलिटीज, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, अल्फान्यूमेरिक, नंबर्स बेस्ड क्वेश्चंस एंड ऑर्डर एंड रैंकिंग। तो गाइस ये सब कर लेते सारे बच्चे 15-20 क्वेश्चन यहाँ से, जो मेन जो पार्ट है ना वो यहाँ है पजल्स। तो प्लीज पजल्स के लिए प्रैक्टिस करो, अगर ये क्लियर है ना
तो ये क्लियर है और आपके आराम से बनेंगे 35+, 30+ मार्क्स बन जाएंगे रीजनिंग में। और पजल गाइस बहुत सिंपल आता है, शॉर्ट आएगा, 4-5 लाइन का पजल आएगा, 3-4 लाइन का, लेकिन ट्रिकी आएगा, ठीक है? तो उसके लिए प्रैक्टिस ज्यादा करो। हाय गगनदीप, हाय टिंकू, हाय समृद्धि। अब गाइस बात करते हैं लास्ट गोल्डन रूल के बारे में। ये हो चुका है। एंड गाइस वन मोर थिंग, ठीक है, एक चीज और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज बच्चे बहुत ही कम है स्ट्रैटेजी वीडियो में। गाइस सपोज आपका एडमिट कार्ड निकल चुका है, ठीक है, सपोज मेरा एग्जाम है 10 बजे, 10 से 11 एग्जाम है मेरा, एग्जैक्टली एग्जाम सेंटर में। तो गाइस अब क्या करोगे एग्जैक्टली, अब अपने घर बैठना और एग्जैक्टली 10 से 11 बजे बीच में अपना दरवाजा बंद करके मॉक टेस्ट लगाया करो सेम टाइम पे। अगर आपका स्लॉट है 3 बजे तो आप 3 बजे मॉक टेस्ट लगाया करो घर पे बैठ के, एकदम प्यार से, एकदम सीरियस होके। ऐसे नहीं कि भाई मम्मी जा रही है पीछे से, घर वाले चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं और आप टेस्ट लगा रहे हो, ऐसा गाइस नहीं करना है आपको। एकदम शांत होके टेस्ट लगाना, एकदम सेम टाइम स्लॉट पे। इससे क्या होगा गाइस, आपके लिए एक हैबिट बन जाएगी कि भाई मेरा एग्जाम आज है और मैं पिछले 10 डेज से ना मैं सेम टाइम पे ये मॉक टेस्ट लगा रहा हूँ। तो आपके लिए बहुत सही रहेगा, आप यूज्ड टू हो जाओगे एग्जाम देने के, ठीक है? तो आपके लिए बहुत सही है गाइस। ओके, हाय गगनदीप, साई कृष्णा, कुमावत एंड लावण्या, लावण्या लावण्या स्क्वेयर। ओके गाइस, जो आपका टाइम स्लॉट है एग्जाम का, सेम स्लॉट में घर बैठ के टेस्ट लगाना है, ताकि आपको हैबिट बन जाए एग्जाम के पहले कि भाई कोई टेंशन नहीं है, आराम से एग्जाम देकर आएंगे, ये मैं रोज काम कर रहा हूँ अपने घर पे भी, तो टेंशन गाइस नहीं आएगा। ये आपके लिए बहुत सही है। एंड अगेन, दरवाजा बंद करके काम होके फोन को हटा के टेस्ट लगाना है, ठीक है? आपके लिए बहुत सही रहेगा। ओके गाइस, तो आगे बढ़े लास्ट पॉइंट पे। अब गाइस लास्ट पॉइंट यहाँ पे क्या है ना, कि देखो बहुत सारे बच्चे ना स्टार्टिंग करते हैं बहुत तगड़ा, कि चलो भाई बहुत सारा लाइफ में एम है, मुझे किसी भी हाल में आरबीआई एग्जाम क्लियर करना है, एसपीए क्लर्क करना है मुझे। ओके, यहां तक आ रहे आराम से, आ रहे आ रहे, जैसे ही एग्जाम नजदीक आया ना, जैसे ही एग्जाम नजदीक आया टेंशन में आ गए कि भाई टेस्ट में नंबर नहीं आ रहा, पजल्स बन नहीं पा रहा, कैलकुलेशन स्पीड मेरी बहुत ही खराब है, मैथ्स में नंबर कम आ रहे, इंग्लिश में बहुत ज्यादा मिस्टेक हो रहा है, तो मेरा एग्जाम क्लियर नहीं होगा, वैकेंसी बहुत कम है एंड कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो गाइस आप जस्ट सोचो कि भाई जब आप शुरुआत से जब स्टार्ट किए थे, आपका एम क्या था, इसे एग्जाम क्रैक करना है ना, लेकिन अब बाद में क्या हार मान गए कि भाई मेरे से पॉसिबल नहीं है। तो गाइस आपसे अच्छा तो वो है ना जिसने कभी पढ़ाई की नहीं और वो एग्जाम दे के आ रहा है। आप क्या हो, ना यहाँ के हो ना यहाँ के हो, आप बीच के रह गए। एग्जैक्टली, जो नहीं मेहनत कर रहा, जो नहीं पढ़ाई कर रहा, वो भी एग्जाम दे के आ रहा, उसका भी नहीं हुआ, चलो भाई कोई नहीं, एग्जाम नहीं हुआ, मैंने मेहनत नहीं करी। आपने मेहनत किया लेकिन एंड में क्या, आप हार मान गए। बहुत रीजन है, दोस्त के नंबर ज्यादा आ रहे हैं, फैमिली वाले बोल रहे हैं, रिलेशन वाले बोल रहे हैं, शादी नहीं हो रही है, जॉब नहीं हो रहा है, लाइफ सेटल्ड नहीं है मेरी, टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, डीआई में नंबर कम आ रहे हैं, पजल मेरे से बन नहीं पा रहा, टाइम लग रहा है पजल बनने में। तो आपके पास बहुत सारे बहाने हैं, तो प्लीज गाइस इनको छोड़ो, सोचना बंद करो, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। ओके, स्टार्टिंग से क्या क्या पढ़ाओ, स्टार्टिंग से व्हाट, कोई दिक्कत सर? एसपीआई पीओ की प्रिपरेशन हो जाएगी इतने टाइम में? हाँ, क्यों नहीं हो जाएगी, हो जाएगी आराम से। एसपीआई पीओ में मेरे अकॉर्डिंग आएगा अप्रैल में, मेरे अकॉर्डिंग उसका एग्जाम होगा अप्रैल टू जून के बीच में, मई के बीच में एग्जाम होगा। हेलो हैदर अली, हाय तनुजा, हाय विनीत पाठक, हाय मंतेश। तो गाइस प्लीज सोचना कम करो और काम करना ज्यादा करो। बहुत सारे बच्चे सोचते रहते हैं कि कल मुझे ये करना है, कल मुझे वो करना है, ये मेरा टाइम स्केड्यूल है, मैं ऐसे क्वेश्चन करूंगा एग्जामिनेशन में, इंग्लिश के लिए क्या करूं, क्या दिक्कत आ रही है इंग्लिश में आपको? विनीत पाठक, बहुत सारे बच्चे बस सोचते रहते हैं इतना कंपटीशन है, वैकेंसी कम है, कट ऑफ हाई जाएगा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो भाई अपने फॉर्म क्यों भरा, फॉर्म नहीं भरते ना, क्यों फॉर्म भर रहे हो, पैसे बर्बाद करने के लिए, या पढ़ो ही मत।
कुछ करो तो अच्छे से करो, वरना छोड़ ही दो, सिंपल सी बात है। एसपीआई पीओ रिक्रूटमेंट आ गई क्या? नो आइडिया, नो आइडिया मुझे। साइंस के लिए क्या करे, कैसे पढ़े? साइंस क्यों पढ़ना आपको? एसएससी के लिए, एसएससी। गाइस आई हैव नो आइडिया, शायद एसपीआई पीओ का देखता हूँ मैं, रुक जाओ अभी, जस्ट होल्ड ऑन। उसका आया कि नहीं आया नोटिफिकेशन? अभी कहाँ है? नहीं आया, नहीं आया, चेक कर लिया मैंने नेट पे। मार्च में आएगा शायद, और मार्च में आएगा तो एग्जाम होगा अप्रैल, और अप्रैल और मई में। कॉमन एरर के लिए मैंने बताया अपने वीडियो में पहले भी आपको, कि कॉमन एरर में क्या आपको दिक्कत आ रही है, रूल्स पे, या आप कितने क्वेश्चन करते एग्जामिनेशन में, और कितने आपके मार्क्स आते हैं एरर करेक्शन में। ओके, अब गाइस यहाँ पे दो तरीके सॉल्व करने का कॉमन एरर। देखो मैंने बचपन से पढ़ाई की है इंग्लिश स्कूल में, और मुझे बोलना भी आता है थोड़ा सा, जो भी है मेरे पास। तो ना मैं क्या करता हूँ एग्जैक्टली, मैं ना सीधे पढ़ता हूँ, ठीक है, सेंटेंस को। जब मैंने पढ़ा सेंटेंस को, मुझे लगा कि चलो भाई ये गलत है यहाँ पे, मैं उसे कर देता हूँ, चलो ये गलत है यहाँ पे, चीज पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं ना, उनके लिए रूल्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिकॉज मुझे पता है कि आई हैव बिन के बाद क्या आने वाला है, क्या क्या होने वाला है, जेंडर कब आएगा, जीरण क्या होता है, कंजक्शन क्या होता है, कैसे रूल्स लगाना है, पैरेललिज्म क्या बोलते, किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो प्लीज आप रूल्स पढ़ो। आप क्या करो एग्जैक्टली, अगर आपको पूरा आप क्या करो एग्जैक्टली, आप टेस्ट लगाया करो, ठीक है, टेस्ट लगाया करो, 15 क्वेश्चन करो, जहां पे आप मिस्टेक कर रहे हो ना, चेक करो उसको कि मैंने इस रूल्स मैंने कहाँ गलत हो गया, प्लीज चेक दैट। ओके, इससे बहुत सही रहेगा आपके लिए, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन सेम पैटर्न के होते हैं और एग्जाम में आते रहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन। टेस्ट लगाओ, 15-20 क्वेश्चन करो, 15 में 4 क्वेश्चन गलत कर रहे हो, सॉरी 11 क्वेश्चन गलत कर रहे हो, चेक करो कि मैंने कहाँ गलती किया, मेरा रूल्स कहाँ गलत था। न्यू टाइप पजल, मैंने बहुत सारे पजल कराए अपने कोर्सेज में अनअकैडमी पे। न्यू टाइप पजल बस मेंस में आता है, नॉट क्लर्क में आता है, नॉट प्री में आता है, सॉरी। 3-4 बार टीचर से पढ़ा हूं ऑफलाइन, बट रूल याद नहीं रहते। रूल तब याद रहेगा ना जब आप प्रैक्टिस ज्यादा करोगे, रूल से गाइस कुछ नहीं होता। विदाउट कोचिंग एग्जाम क्लियर? हाँ हो सकता है, बहुत सारे मटेरियल्स हैं ऑनलाइन, यूट्यूब पे, अनअकैडमी पे, फ्री आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, अगर आप रूल्स आपको पता है उसको अप्लाई करोगे ना, कि भाई कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, बस रूल्स पढ़ने से एग्जाम क्लियर नहीं होगा गाइस, ठीक है। आप क्वेश्चन करो और चेक करो कि जो मैं रूल्स पढ़ रहा हूं वो यहां पे अप्लाई हुआ कि नहीं हुआ, है ना। आपने थ्योरी ले ली लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो आप, ये दिक्कत है आपके साथ। मेरा क्या है कि मैं रूल्स जानता भी नहीं हूं, लेकिन मुझे पता है एग्जैक्टली कि यहाँ पे क्या होने वाला है। दिल्ली में पला बड़ा हूँ, ठीक है, जो भी मेरे पास है, दिल्ली से मैं 10 साल में रह रहा हूँ और इंग्लिश स्कूल में पढ़ा हूँ, तो ये चीज मेरे लिए एक एडवांटेज है, ठीक है। और इंग्लिश बहुत ज्यादा ही एडवांटेज है, बिकॉज मैंने बताया ना कि इंग्लिश में टाइम कम है और क्वेश्चंस बहुत, सॉरी टाइम ज्यादा क्वेश्चंस कम है। जिनका इंग्लिश अच्छा है उनके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है, जिनका वीक है उनके लिए बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है। हाय मिंटू कुमार, हाय ऋषभ दीक्षित। सो गाइस यू हैव द लास्ट पॉइंट, प्लीज खुद पे विश्वास रखो, कॉन्फिडेंस नहीं लूज करना है, एग्जाम के एंड में आके आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज बहुत सारे बच्चे एंड में हार मान जाते हैं, कंप्लेन करते हैं कि भाई प्रेशर बहुत ज्यादा, घर वाले बोल रहे, सब लोग बोल रहे हैं, ठीक है। इंग्लिश पढ़ने में बोरिंग क्यों होता है, पढ़ने का मन नहीं करता है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप जो एग्जाम दे रहे हो एसपीआई का या आरआरबी का, सॉरी आरबीआई का, वहां पे इंग्लिश कंपलसरी है, वहां एग्जाम में 30 क्वेश्चन आएंगे, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते हो, तो प्लीज इंग्लिश से प्यार करो।
स्टार्टिंग से रूल थोड़ा जल्दी एक्सप्लेन कर दो प्लीज। आप रूल बहुत बड़े हैं हर एक चीज के लिए, नाउन के लिए, आर्टिकल के लिए, प्रोनाउन के लिए, वर्ब के लिए, एडवर्ब के लिए, कंजक्शन के लिए, सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट के लिए, बहुत कुछ रूल है यार। ठीक है, कौन सा रूल? हाय पेरुमुला। तो विनीत पाठक, कौन सा रूल बताया मैंने अभी? चांसेस मुझे कम लग रहा है शायद। ओके, जो पांच रूल्स है ना, सी तो गाइस, इन शॉर्ट हमने डिस्कस किया जो फर्स्ट रूल है, डेट इज प्लीज पजल आज से रोज प्रैक्टिस करें, इसके बिना एग्जाम नहीं क्लियर होने वाला। एग्जाम में 35 क्वेश्चन, रीजनिंग में जहां पे 15-20 क्वेश्चन पजल के पक्का आएंगे। तो सारे बच्चे जो रिमेनिंग पार्ट कर लेते लेकिन पजल नहीं कर पाते, तो गाइज पजल कम से कम दिन में 4-5 पजल प्रैक्टिस करो। ये इसे करने के बाद अगर आप रोज के रोज 4-5 पजल प्रैक्टिस कर रहे हो, आपके 30 दिन में बन रहे 120 पजल, विच इज मोर देन एनफ। लेकिन प्लीज बी कंसिस्टेंट, पजल रोज प्रैक्टिस किया करो। आज 10 कर लिया, 6 दिन गैप कर लिया, ऐसा नहीं करना है आपको। एक दिन पढ़ रहे हो कुत्तों की तरह, 6 दिन छोड़ दिया, तो ऐसा मत करो गाइज, है ना। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, सब जानते हैं ना, लेवल धीरे धीरे बढ़ता है, अचानक से नहीं लेवल बढ़ता है। अगर मैंने पजल प्रैक्टिस की है तो मैं स्टार्टिंग में मेरे को दिक्कत आती होगी, है ना। धीरे धीरे मैंने प्रैक्टिस किया, धीरे 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 प्रैक्टिस किया, मेरा स्पीड बढ़ गया, है कि नहीं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आज जोश जाग गया, 15 घंटे पढ़ाई कर लिया, 16 घंटे पढ़ाई कर लिया, कल क्या है? कुछ नहीं, सेम रूटीन, है ना। परसों या छोड़ना यार, उस दिन 15 घंटा पढ़ाई कर लिया, क्या दिक्कत है भाई, फिर से पढ़ लूंगा 15 घंटा, अब बोरिंग हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो गाइज कंसिस्टेंट रहो। मेरे मेरे क्या है कि मैं आपको ये बोलता हूँ, जो करना है करो। इफ यू वॉन्ट टू वॉच द मूवी, वॉच द मूवी, ओके, जो करना है करो। लेकिन अपना टारगेट खत्म करो कि मुझे किसी भी हाल में, मेरा टारगेट ये है 4 पजल करने का, DI करने का, RC करने का, वो खत्म करो। फिर बात करो फ्रेंड से, घूमना घूमो, कुछ भी करना करो। 15 घंटा पढ़ना इम्पॉसिबल है, लेकिन रोज पढ़ना इज पॉसिबल। ठीक है, अगर आप रोज के रोज 15 घंटे पढ़ाई कर रहे हो तो भाई आपका हेल्थ खराब। और यहाँ कोई एग्जाम नहीं UPSC का, एग्जाम है बैंक का, जहां पे दिमाग काम करना बहुत जरूरी है। इट इज नॉट UPSC जो बहुत कुछ रटना है, याद करना है, पढ़ना है, बहुत वास्ट सिलेबस है। RC करने का मन नहीं करता, यू हैव टू बाई प्लस प्लस। अगर आप प्लस खरीद रहे हो, आप अप्लाई करना हमारा कोड स्टडी वायरस, ये हमारा कोड है, यू विल गेट 10% डिस्काउंट हेयर। अनअकैडमी पे मॉक्स फ्री नहीं है, प्लस पे है, प्लस से बहुत सारे कोर्सेज हैं। हाय कैलाश कुमार, सुप्रिया। तो गाइज प्लीज बी कंसिस्टेंट, पजल्स के साथ, RC के साथ। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप ऑनलाइन करो, बहुत सारे वेबसाइट है ऑनलाइन के लिए, टेस्ट लगाओ प्लीज। देखो सिंस हमारा एग्जाम ऑनलाइन है, देखो गाइज, देखो हमारा एग्जाम ऑनलाइन है यहाँ पे, और आपकी हैबिट क्या है, किताब से पढ़ने का। लेकिन जब मेन एग्जामिनेशन जब आएगा ना, तो आपको देखना है, यहाँ पे देखना है, देखना है आपको स्क्रीन पे, एंड क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो प्लीज गाइज आप ऑन कंप्यूटर और लैपटॉप पे एग्जाम दिया करो, आपके लिए बहुत सही रहेगा। वोकैब को याद करने का नीड नहीं है, बैंक में वोकैब नहीं मैटर करता। यू शुड नो हाउ टू कॉम्प्रिहेंड, कैसे हम मीनिंग निकाल सकते हैं, उसके लिए कृपया रीडिंग करें। बैंक में गाइस वोकैब उतना मैटर नहीं करता, SSC में मैटर करता है। आप देख सकते हो बैंक का सिलेबस, जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, लाइन पढ़ के उसका मतलब कैसे निकालना है वो जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, वो बस रीडिंग से आएगा। हाय मेहजबीन, हाय एम ज्वाइन, ओके, एम एम नाम है इनका। बिकॉज सी अगर हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आते हैं, पैराजम्बल, फ्रेज कॉम्प्लीशन, क्लोज टेस्ट, मैच दी फॉलोइंग, और हमारे पास क्या है, फ्रेज रिप्लेसमेंट, यहाँ पे कहीं भी वोकैबुलरी नहीं है। ओके, कॉम्प्रिहेंशन यहाँ मैटर करता है,
यहां भी करता है, यहां भी करता है, यहां भी करता है। ओके तो गाइज ये सेकेंड रूल है हमारे पास कि मैथ्स में स्पीड बढ़ाना है। मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड कैलकुलेशन स्पीड, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज में सम, घटाओ, जोड़, मल्टीप्लीकेशन, डिविजन, सब कुछ यह मैटर करता है। ठीक है, डीआई में क्या है गाइज? सर रीजनिंग में सिलोजिज्म में वेन डायग्राम अच्छा है या 150 से? वेन डायग्राम सही है एसएससी के लिए, मेरे अकॉर्डिंग 150 सही है, लेकिन हमारे पास बैंक में आता है पॉसिबिलिटी, कैन नेवर बी, फ्यू, ये सब आता है। हाय सौरभ यादव, तो गाइस सेकंड रूल क्या है? मैथ में स्पीड बढ़ाओ, उसके लिए गाइस क्या करना है आपको? टेबल याद कर लो 1 to 20, क्यूब याद कर लो 1 to 15, स्क्वायर याद कर लो 1 to 30, कैसे निकालना है अप्रोक्सीमेट परसेंटेज वो निकाल लो, एज वेल एज कैसे हम निकालते हैं रेसिप्रोकल फ्रैक्शन टेबल, 1/2 क्या है, 1/3, 1/4 क्या है 25%, 1/5 क्या है 20%, 1/6 से 16.66%। ओके गाइस थर्ड रूल क्या है? इंग्लिश में एक्यूरेसी ठीक करना है किसी भी हाल में, बिकॉज बहुत सारे बच्चे 25 क्वेश्चन करके आते हैं, नंबर आते एग्जामिनेशन में 3-4, बिकॉज अटेम्प्ट ज्यादा, क्वेश्चन ज्यादा गलत और एग्जाम क्लियर नहीं। स्टार्ट करो कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करो टेस्ट सीरीज में और अपना लेवल धीरे धीरे बढ़ाओ। ठीक है, 25 कर लिया और कितने बन रहे हैं? 25 में 4, 25 में 3, 25 में 5, तो भाई एग्जाम आपका क्लियर नहीं होने वाला है। ठीक है, इसके लिए गाइस टेस्ट लगाया करो, कल करो आप 12 क्वेश्चन, 12 में कम से कम करो 8 सही, 4 गलत हुआ आपके, चेक करो कि 4 मेरे क्यों गलत हुए। नेक्स्ट एग्जाम दोगे गाइस आपके टेस्ट में नंबर बढ़ेगा, प्लीज चेक करो गाइस मैं कहां पे मिस्टेक कर रहा हूं, ये जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज इंग्लिश लोगों को बहुत लगता है बोरिंग, कौन पढ़ेगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कौन पढ़ेगा पैराजंबल, कौन करेगा, लेकिन गाइज इसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट है ना, इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, मैथ्स इंपॉर्टेंट है और रीजनिंग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्लीज इंग्लिश पढ़ा करो, इससे प्यार करो, दूर भागोगे तो एग्जाम क्लियर नहीं होगा, बोझ मानोगे तो एग्जाम क्लियर नहीं होगा, प्यार करोगे, प्यार का सीजन है तो प्लीज प्यार करो कि भाई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने मजा आता है, मुझे मजा आता है स्पॉट द एरर करने में, जस्ट लाइक मैथ्स एंड रीजनिंग है ना। जब तक टेंशन लोगे इस चीज का कि भाई मुश्किल है बोरिंग है तो एग्जाम क्लियर नहीं होगा। रूल नंबर 4 है प्रैक्टिस करो रिविजन करो, सब लोग प्रैक्टिस करते हैं। सी आई हेट आरसी, आरसी एग्जाम में 10 क्वेश्चन आता है, 33% इसका वेटेज है। ठीक है, 30 में अगर 10 क्वेश्चन आरसी के आ रहा है और आप उसे हेट कर रहे हो तो बहुत ही बुरी बात है ना, सिंपल सी बात है, यू कांट हेट इट, यू हैव टू लव आरसी। आरसी में क्या है ना कि एक्यूरेसी अच्छा होता है, अगर आप समझ गए ना आपके नंबर पक्का बन रहे हैं, लेकिन एरर करेक्शन में क्या है इतने रूल्स है, आपने कर लिया और नंबर नहीं बने। ठीक है, तो गाइस प्लीज प्रैक्टिस करो, एनालाइज करो कि मैं कहां मिस्टेक कर रहा हूं। हाय सोमनाथ, हाय वसुंधरा, क्या करेगा, मतलब क्या करेगा, क्या करना है एनी मिंटू कुमार पांडे, कोई दिक्कत मिंटू कुमार पांडे? मैं अच्छा हूं वसुंधरा, आप कैसे हो? सो गाइस प्लीज आरसी से प्यार करो, पहली बात फिर से बोल रहा हूं, बिकॉज अगर आप इंग्लिश से प्यार नहीं कर रहे हो, टेंशन मान रहे हो कि भाई डिफिकल्ट है बोरिंग है, तो आप बिना मन के इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, एंड जो चीज आप बिना मन से करोगे आपका एग्जाम में नंबर नहीं आने वाला है। ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर आप बैंक एग्जाम दे रहे हो इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश मेंस पे भी आएगा है ना, प्री तो निकल गया, मेंस पे भी आएगा। आरसी टफ होती है, देखो टफ हमारे लिए कुछ भी नहीं है, अगर आप स्टार्टिंग से पजल सॉल्व करना शुरू करोगे टफ लगेगा, लेकिन आप आपका टाइम कहाँ लग रहा है यूजुअली, मैथ्स में और रीजनिंग में, मैथ्स में और रीजनिंग में,
आप खुद खुद से पूछो है कि नहीं बताओ मुझे। मोस्टली गाइस बच्चे क्या करते हैं एग्जैक्टली, टाइम उतना लगाते हैं मैथ्स में और रीजनिंग में, ओनली मैथ्स एंड रीजनिंग। जो चीज आप रोज कर रहे हो आपका उसमें अच्छा स्पीड है, वो टफ नहीं है आपके लिए, है ना? सिंपल सी बात है गाइस, आपको पता है भाई 90% बच्चे बस मैथ सॉल्व कर रहे हैं, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, या फलाना, एजेस, एलिगेशन, मिक्सचर, उससे एग्जाम में कितने क्वेश्चन आएंगे? एक क्वेश्चन आएंगे। लेकिन जहां पे आरसी में एग्जाम में 10 क्वेश्चन आ रहे हैं वो गाइस कोई नहीं कर रहा, तो भाई अपने फॉर्म क्यों भरा? स्टोरी आती नहीं है, पहले आती थी, लेकिन वो एग्जाम सबके लिए इक्वल है ना। या तो वो एग्जाम चूज करो जहां पे इंग्लिश नहीं है, अगर चूज करे तो प्लीज बहाना नहीं, है ना, डू नॉट कंप्लेन। सब इंपॉर्टेंट है। सारे बच्चे क्या करते हैं कि भाई बस मैथ्स 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 पूरे टाइम मैथ्स में लगे पड़े हैं, लेकिन पता नहीं कि उन्हें 30 मार्क्स इंग्लिश का भी है और इसके बिना एग्जाम क्लियर नहीं होता है। जिनका इंग्लिश तगड़ा वो बाजी मार लिया एग्जाम में। हाय आकाश यादव, हाय स्मिता नायक। आरसी कैसे ठीक होगा सर? प्लीज आरसी के लिए रीडिंग करना शुरू करो, स्टार्ट रीडिंग। और क्या रीडिंग, ऐसा नहीं कि हिंदू उठा लो, हिंदू नहीं उठाना आपको स्टार्टिंग से, और दिमाग खराब हो जाएगा। अगर आपको करना क्या है, आपको एग्जैक्टली जो आपको पढ़ने में अच्छा लगता है, स्पोर्ट्स का, इंटरटेनमेंट, वो उठाओ। उसके बाद आराम से आपका लेवल बढ़ेगा पढ़ने का। अगर आप स्टार्टिंग से उठा लोगे कुछ ऐसा चीज है जो आपको पढ़ने का मन नहीं करता है, वो आप मत क्या करो, प्लीज स्टार्ट करो। अगर मेरा इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में, जस्ट वेट गाइज, अगर मैंने पेपर में पढ़ा मेरा इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में, तो मैं यहां से पढ़ना शुरू करूंगा, रीडिंग लगाना शुरू करूंगा, और आपका इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़ेगा। अचानक से नहीं बढ़ जाएगा कि सर ने बोला है कि आप हिंदू पढ़ना है, तो भाई इसको समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग खराब, मेरे से नहीं हो पाएगा। स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स, स्टार्ट फ्रॉम द जीरो लेवल, यहां से स्टार्ट करो, धीरे धीरे आगे बढ़ाओ उस चीज को, तो आपका रीडिंग सही होने वाला है। गाइज विद इन वन नाइट सब कुछ सीख नहीं हो पाता है, चाहे मेरा पजल हो, चाहे मेरा DI हो, ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिस करने से चीज आती है। हाय कोमल, कोमल नायर, हाय केके विश्वकर्मा, हाय स्मिता, हाय आकाश यादव, ठीक है। एंड गाइस ये द लास्ट रूल फिर से बता रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे स्टार्टिंग करते हैं बहुत अच्छी वाले कि भाई किसी भी हाल में एग्जाम क्रैक करना है, बहुत ही बड़ा पोस्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एग्जाम है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एग्जामिनेशन है, क्रैक करना है एग्जाम के 10 डेज के पहले। सुनो, एग्जाम के 10 डेज पहले क्या होता है एग्जैक्टली कि भाई एकदम मेरा मूड ऑफ, टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, ये नहीं हो रहा, मेरे फ्रेंड के नंबर बहुत आ रहे हैं, उसके 100 में 90 आ रहे, मेरे नहीं आ रहे हैं, घर वाले बोल रहे हैं, पड़ोसी बोल रहे हैं कि बच्चा क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा, जॉब नहीं करता, तो गाइस उनका सोचो मत। एक बार एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा ना, तो सारे की सबकी बोलती बंद, सिंपल सी बात है, थिंक अबाउट दैट। एक बार एग्जाम क्लियर, सबकी बोलती बंद, सोचना नहीं आपको कि भाई मुझे कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं बोल रहा है, बिकॉज वो बोलते रहेंगे, है ना, कई तो बोलते रहेंगे कि भाई शादी नहीं हो रही इसकी, यार इसकी एज हो गई है, जॉब नहीं करता है, ठीक है, कुछ नहीं करता है लड़का ये, तो रिलेशन वाले बोलते हैं भाई, पड़ोसी वाले, मौसा मासी, मामा मामी, चाचा चाची, सब बोलते हैं, अपने फ्रेंड्स बोलते हैं, लेकिन गाइस उनका सोचना नहीं है, खुद पे फोकस करो कि मुझे किसी भी हाल में एग्जाम क्लियर करना है, एग्जाम खुद पे देखो कि भाई जब मेरी जॉब लग जाएगी ना, तो मेरे घर वाले, मेरे पेरेंट्स, मेरी माँ, मेरे पापा कितने खुश होंगे, लाइफ सेटल्ड, ओके, वो बस सोचो, उनके लिए सोचो। अगर मोटिवेट नहीं हो पा रहे तो उनके लिए सोचो कि मेरी जॉब जब लग जाएगी तो उनको मैं गिफ्ट करूंगा, गिफ्ट दूंगा दिवाली पे, होली पे, है ना। ओके बाय तनुजा, बाय बाय, टेक केयर, अब सेशन खत्म करने वाले विद इन 15 सेकेंड। तो गाइस अगर क्लास से मजा आया, यू कैन गिव योर फीडबैक, अगर क्लास से मजा आया तो ठीक है, और गाइस बी मोटिवेटेड, टेंशन नहीं लेने का, कि ऐसा नहीं कि भाई एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगा, लाइफ मेरी कुछ नहीं रहेगी, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम है, थिंक अबाउट योर सेल्फ देन फॉर योर फैमिली, ठीक है, खुद की लाइफ बनेगी ना,
आपके घर वाले कलाई बन जाएगी, जो रियलिटी है आपके बच्चे कलाई बन जाएगी। एक इंसान से बहुत कुछ अच्छा हो सकता है लाइफ में, है ना? बिकॉज लोग उनको पूछते हैं जिनका रिजल्ट निकला होता है, आप कितने ही मेहनत कर लो, कितने भी हार्डवर्क कर लो, उसे कोई नहीं पूछता रिजल्ट क्या हुआ, एग्जाम क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, वो लोग पूछते हैं। भाई मैं 15 घंटे पढ़ाई करता था, तो लोग पूछेंगे आपके एग्जाम क्लियर हुआ? नहीं, क्लियर तो नहीं हुआ। फिर घंटा पढ़ाई करते थे आप, सिंपल सी बात है। आप बोलोगे नहीं, मेरा लक बहुत खराब है, मेरा भाग्य बहुत खराब है, तो लोग बोलेंगे अरे भाई मजाक कर रहा है, सारे बेवकूफ बना रहा मुझे, ऐसे ही फेंक रहा है, सिंपल सी बात है गाइस। तो प्लीज लोग रिजल्ट को देखते हैं, हार्डवर्क क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो वो उनके लिए मैटर नहीं करता है। रिजल्ट क्लियर, आपने मेहनत करी है, रिजल्ट नहीं क्लियर, आपने मेहनत नहीं करी है, अब बस फेंक रहे हो। हाय क्रेनोडी मॉक। तो गाइस चलो सेशन खत्म करते हैं, बहुत लंबा सेशन हो गया, हमने डिस्कस किया 5 इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल्स। यू कैन गिव मी फीडबैक एंड यू कैन फॉलो मी ऑन ऑन अन अकेडमी, मनमीत कुमार मेरा प्रोफाइल नेम है, ओके? एग्जैक्टली, एग्जाम क्लियर करना है आपको, और प्लीज प्यार क्या करो सब्जेक्ट से, इंग्लिश से, मैथ्स और रीजनिंग से, ओनली मैथ्स और रीजनिंग से नहीं, तीनों से, ठीक है? गुड नाइट गाइस, टेक केयर, सी या, बाय बाय।